कालाबाजारी को खुली छूट दे दी, तो इसकी क्या मंशा है? ये काला कानून ही तो है जहाँ कालाबाजारी दे दे मतलब महंगाई और भुखमरी फैलने वाली है। आप थाली ताली बजवा के इसका अंदेशा दे चुके हैं कि देश में भुखमरी आने वाली है। देखिए, मानसिक रूप से विकलांग लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप शारीरिक अपाहिज लोग भी इस आंदोलन में आए हैं। तीन लोग इस आंदोलन से हटाना चाहते थे, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं। जब एक तिहाई हिस्सा खत्म हो जाएगा तो लोग बचेंगे कितने यहाँ पे? फिर उनको आराम से लाठी डंडे बजाकर उनको उग्रवादी बताकर ये बाहर कर देंगे। मैंने पहले भी कहा था इस आंदोलन से पहले कि मोदी जी की मंशा इस आंदोलन को बिगाड़ने के लिए हिंदू बनाम सिख करवाने की है, जैसा कि 26 जनवरी को देखने मिला। अब मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी जी इस आंदोलन के अंदर आतंकवाद की भूमिका भी निभाएंगे और आतंकवाद भी इसके अंदर लेके आएंगे। लेकिन मैं फिर कह दूं मोदी जी से कि आप देशभक्ति सिखाना चाहते हो, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाना चाहते हो, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार। क्योंकि सरकार ने एनपीए के नाम पर सारे कॉर्पोरेट जगत का पैसा माफ कर दिया। आज अगर वो पैसा अगर किसानों का माफ कर देते तो खेती खुद ब खुद उन्नत हो जाती। और मैं तो कहना चाहता हूँ, आप अगर देश को कुछ बनाना चाहते हो तो सरकारी विभागों को तंदुरुस्त कीजिए। सरकार सरकारी विभागों से बनती है, ना कि निजी विभागों से। आजादी के टाइम हमने आजादी पूंजीवाद के खिलाफ लड़ी थी, हमारे क्रांतिकारियों ने पूंजीवाद के खिलाफ जंग लड़ी थी, समाजवादी वतन बनाना चाहा था। लेकिन आज ये उस समाजवादी वतन को तोड़कर फिर पूंजीवाद की ओर बढ़ चले हैं। तो ये बताइए, ये अंग्रेजों से बुरा शासन कर रहे हैं। तो कह रहे छोटे किसानों के लिए ये बिल काफी ध्यान रख रहा है और हमने उनके हित के लिए ये बताया है। 12 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे किसान है, लॉन्ग टर्म में उनका फायदा होने वाला है। ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं वो इन बातों को क्योंकि उन्हें पता है कि नीचे के तबके के व्यक्ति को ज्यादा जरूरत होती है पैसे की और वो जल्दी उलझ जाएगा। लेकिन बड़ा जो किसान है वो बुद्धिजीवी है, वो खेती करता है, वो उन्नत है, उसको पता है इस बिल के घाटे क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जमीनें जिस प्रकार से छीनने का मन बनाया इन्होंने, क्यों बनाई भाई? आप सरकारी मंडी को अच्छा कीजिए, आप 6% MSP पर माल बिकता है, आप प्रयास कीजिए ना कि 100% MSP पर माल जाए। आप क्यों सरकारी मंडियों को ध्वस्त कर प्राइवेट मंडी को पैरलर बनाना चाहते हो? आप क्या चाहते हो, प्राइवेट मंडियों में माल जाए और कुछ समय के बाद आपकी सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी? और फिर जो इनके क्लॉज में लिखा है कि वहां पर ये क्या कर रहे हैं, गुणवत्ता के आधार पर कंपनी उस माल को खरीदेगी और अगर ओलावृष्टि हो गई तो उसकी गुणवत्ता तो बिगड़ती है, अगर वो गुणवत्ता बिगड़ेगी तो वो लेने से ना भी कर देगी। जब ना कर देगी तो किसान उस माल को कहाँ बेचेगा, क्योंकि आपने सरकारी मंडी तो ध्वस्त कर दी प्राइवेट मंडी लाके। और फिर क्या होगा उस स्थिति में, किसान को होने पौने दाम में वो माल वहीं देना होगा कंपनी को और धीरे धीरे उसकी लागत भी नहीं निकल पाएगी। इसलिए वो MSP गारंटी की बात कर रहा है बार बार, जिसको सरकार देना नहीं चाह रही। और इसके पीछे मंशा यही है कि ये सारा का सारा अनाज जाके कॉरपोरेट जगत के घराने में चला जाए। और वो देखिए, वो ऐसा नहीं करेंगे कॉरपोरेट जगत के लोग, वो चीज उगवाएंगे जिसकी बाहर जरूरत है। जैसे कि हमारे नील की खेती हुई थी और जमीनें बंजर हो गई थी और भुखमरी फैल गई थी। 1955 में कानून बना था जमाखोरी के खिलाफ, कालाबाजारी के खिलाफ, लेकिन उनने इसी कालाबाजारी को खुली छूट दे दी, तो इसकी क्या मंशा है? ये काला कानून ही तो है जहाँ कालाबाजारी दे दे मतलब महंगाई और भुखमरी फैलने वाली है। आप थाली ताली बजवा के इसका अंदेशा दे चुके हैं कि देश में भुखमरी आने वाली है। देखिए, मानसिक रूप से विकलांग लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप शारीरिक अपाहिज लोग भी इस आंदोलन में आए हैं। शायद मोदी जी को यहाँ पर बूढ़े लोगों के आंसू नहीं देखते, माताओं के यहाँ आंसू गिर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे क्या कहते हैं, रो रहे हैं, इससे ज्यादा क्या देशभक्ति होगी? कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं संसद में कि बूढ़े लोगों को आंदोलन में नहीं हिस्सा लेना चाहिए, उनको चले जाना चाहिए वापस। क्यों नहीं लेना चाहिए? जब घर में आग लगेगी तो घर के सब लोग साथ आएंगे ना, सिर्फ ऐसा तो नहीं है जवान साथ आएंगे, बाकी सब घर में रह जाएंगे। अरे घर का बुजुर्ग मार्गदर्शक ही पहले आगे आता है, इसलिए वो आए हैं, ये भी इनकी मंशा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब 4 लोगों में कहा तो 3 लोग इस आंदोलन से हटाना चाहते थे, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं। जब एक तिहाई हिस्सा खत्म हो जाएगा तो लोग बचेंगे कितने यहाँ पे? फिर उनको आराम से लाठी डंडे बजाकर उनको उग्रवादी बताकर ये बाहर कर देंगे। मैंने पहले भी कहा था इस आंदोलन से पहले कि मोदी जी की मंशा इस आंदोलन को बिगाड़ने के लिए हिंदू बनाम सिख करवाने की है, जैसा कि 26 जनवरी को देखने मिला। अब मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी जी इस आंदोलन के अंदर आतंकवाद की भूमिका भी निभाएंगे और आतंकवाद भी इसके अंदर लेके आएंगे। लेकिन मैं फिर कह दूं मोदी जी से कि आप देशभक्ति सिखाना चाहते हो, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाना चाहते हो, तब एक बड़ी अच्छी लाइन कही है कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाघ के बाघ को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार। आतंकवाद इससे जोड़ रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो सही मैसेज नहीं जाता है, वो गलत है, नहीं होना चाहिए इस तरह की बातें।
देखिए वो समझना होगा ना, आज किसान अपने खेत में अनाज बोता है, और मैं कहना चाहूंगा जो किसान पेट की आग को बुझाता है, मतलब पेट में आग नहीं लगने दे सकता, वो देश में कैसे आग लगाएगा, तो ये समझना होगा। और वो अपने अपने खेतों में बारूद और पिस्टल नहीं बो रहा है, वो अनाज बो रहा है, तो वो आतंकवादी कैसे हुआ? ये मोदी जी को जवाब देना होगा, देश को नहीं अब पूरे विश्व को देना होगा। मैं कहना चाहूंगा यूएन को भी इसमें कूदना होगा। आपको लगता है कि जिस तरह से ये जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिला, आज मोदी जी ने सदन में अपने भाषण में ये कहा कि एक फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी FDI का उन्होंने नाम दिया, FDI तो बहुत आ रहा है, लेकिन एक दूसरे तरीके का FDI भी है, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिला हरियाणा और थुनबर्ग का, इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए सहयोग करने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति सहयोगी होता है, और इस समय समझना होगा लोगों को कि यही लोग जब मोदी जी की तारीफ करते थे तो मोदी जी कहते थे, अंधभक्त कहते थे उनका डंका बज रहा है, और जब आज जहां पर डंका बजना चाहिए वहां अगर लंका लगने लग गई है तो समझना होगा देश में उनकी इज्जत खत्म हो गई है। लेकिन भांड लोग दिखाएंगे नहीं इस बात को, क्योंकि भांड लोग लगातार लगे हैं इस बात को बताने, मोदी जी की आंखों पर पट्टी बांधने कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। देखिए देश में क्रांति ने जन्म ले लिया है, और ये क्रांति रुकने नहीं वाली, आप इस आंदोलन को दबा दें कुचल दें, लेकिन इससे जो क्रांतिकारी पैदा हो चुके हैं ना, वो अब जैसे आज़ादी के आंदोलन शुरू हुए थे तो किसी ना किसी ने आंदोलनों को उठाए रखा और देश को आज़ाद करा के माने, ऐसे ही ये कृषि कानून तो वापस करा कर हम मानेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे इस कानून के बाद। अब क्या लगता है कि क्या गुंजाइश बची है बातचीत, क्या आपको लगता है कि मोदी जी को स्वयं आना चाहिए और इस बातचीत में टेबल पर बैठना चाहिए? बिल्कुल बैठना चाहिए, लगातार मन की बात करते हैं, किसानों को भगवान बताने वाला व्यक्ति आज भगवान का अपमान कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी, और हिंदू धर्म की बात कर रहा है, हिंदू धर्म में तो भगवान का अपमान हो ही नहीं सकता, और अन्नदाता तो सबसे बड़ा भगवान है, और मानव सेवा सर्वोपरि होती है धर्म के अनुसार, तो किस मानव सेवा को कर रहे हैं ये, इन्हें बताना होगा किस राम की बात कर रहे हैं। अरे वो राम का चरित्र देखिए, जिस राम ने लोगों के मन से डर निकाला, आशाओं का सहायक बने, उस राम के नाम पे लोगों में डर पैदा किया जा रहा है। राम कभी नहीं चाहते थे कि लाखों लोगों के ऊपर से निकलकर उनकी मौतें करकर और राम मंदिर बने, अरे उन्होंने तो अपना सिंहासन छोड़ दिया था, जो वन में भी अपनी पत्नी को लेके गया था वो राम था, जिसने चरित्र का वर्णन किया वो राम था, लेकिन ये किस राम को मान बैठे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ये राम के नाम पर देश को बेच रहे हैं, और लोगों को समझना होगा कि राम का चरित्र वर्णन कीजिए, राम प्रदर्शन की चीज है, प्रदर्शन की चीज नहीं है, राम का लगातार प्रदर्शन बंद कीजिए, क्योंकि इसी देश में कृष्ण ने भी जन्म लिया था और कृष्ण ने अपना हक छीनना बताया था। तो मैं कहूंगा कि अगर आप राम को मानते हो तो हम कृष्ण को मानते हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे और हक लेके रहेंगे। तीन बातें काला कानून, उन्होंने कहा कि ये काला कानून आप लोग कह रहे हो, काला क्या ये नहीं बता पा रहे हो, तीन बातें क्यों मैंने बता दो दी आपको। सबसे पहली बात, 1955 में बना कानून जो जमाखोरी के खिलाफ बना था, जहां पे भुखमरी फैली थी, जिसको काला बाजारी कहते थे, लोग छापे पड़ते थे काला बाजारी पे, उसी कानून को लीगल कर दिया, 1955 के कानून को संशोधित कर आवश्यक वस्तुओं को बाहर कर दिया, तो ये काला ही तो है। दूसरी बात जिस तरीके से लाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, ये राज्य सरकार के अधीनस्थ था, तो ये काला ही तो है, गैर संवैधानिक तो है, यही तो है इसमें काला, इसको सही कर दीजिए, ये सही हो जाएगा, आप राज्य सरकार के हाथ में दे दीजिए ये कानून। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।